आदमी बाहर जा रहा है, वो कुछ ना कुछ करके अगर उसे कोरोना होता है तो वो घर में सभी को फैला रहा है। तो वो भी ये इस चीज़ का पालना करे कि हमें बिल्कुल ध्यान से रहना है। और वैक्सीन, चूँकि अभी तो वैक्सीन लगाएंगे आप, तो आपको जो है बूस्टर डोज भी आ गया है। यातायात पुलिस ने कोरोना जागरूकता के लिए निकाली महारैली, ऑटो रिक्शा से निकाली गई रैली में उपायुक्त, यातायात पुलिस श्वेता धनखड़ सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस उपायुक्त यातायात श्वेता धनखड़ ने मंगलवार को कोरोना जागरूकता के लिए रेलवे स्टेशन जयपुर से ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान पूरे रास्ते पुलिसकर्मी आम जनता को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित कर कोरोना नियमों की पालना कराने की अपील करते रहे। यातायात पुलिस ने आम जनता और ऑटो रिक्शा चालकों को ड्राइविंग के नियमों के पालन के भी खास निर्देश दिए। पुलिस उपायुक्त श्वेता धनखड़ ने इस अवसर पर कहा कि यह रैली जागरूकता का संदेश देने के लिए निकाली जा रही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, संक्रमण अभी भी फैल रहा है, लिहाजा सभी घरों में रहें, यथासंभव बहुत ही आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें और सावधानी बरतें। यातायात पुलिस उपायुक्त श्वेता धनखड़ ने यातायात नियमों के बारे में भी जनता को अवगत कराया और जनता से अपील की कि स्वयं की सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है। आज रेलवे स्टेशन से जयपुर से रैली निकाली गई है, तो ये कोरोना जागरूकता रैली जो है ये सभी लोगों को ये संदेश दे रही है कि कोरोना अभी है और काफ़ी मात्रा में जो है ये इसमें संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण की गति बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यथासंभव ही आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि जो है कोरोना गया नहीं है और ये किसी ना किसी रूप में किसी भी तरीके से किसी को खांसी, किसी को जुकाम, अलग अलग तरीके से घरों में आ रहा है। और जितने भी जो भी घर से बाहर निकल रहा है वो भी ये सोचें कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो अंदर जाके हाथ धो के सैनिटाइज़र यूज़ करें और मास्क वैक्सीन लगवावें सभी, क्योंकि जो आदमी बाहर जा रहा है वो कुछ ना कुछ करके अगर उसे कोरोना होता है तो वो घर में सभी को फैला रहा है। तो वो भी ये इस चीज़ का पालना करे कि हमें बिल्कुल ध्यान से रहना है। और वैक्सीन, चूँकि अभी तो वैक्सीन लगाएंगे आप, तो आपको जो है बूस्टर डोज भी आ गया है, तो सभी लोग वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि हमारा जो है सबसे पहला हम चाहते हैं कि आप सभी जो है बचे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि वैक्सीन जो है वैक्सीन से जो है फैटलिटी नहीं होती है और घातक नहीं होता है। जयपुर में जगह जगह पुलिस की तरफ से कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं जागरूकता को लेकर और ज़रूरतमंदों की मदद भी की जा रही है, तो आगे किस तरीके से आपके और कार्यक्रम रहेंगे? हमारे ये जो जितने भी प्रयास हैं सभी प्रयास जारी रहेंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव काफ़ी जगह पे जैसे मास्क सैनिटाइजर इनका वितरण किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर घूमते आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा वालों को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया, जिससे कि एक अवेयरनेस कैंपेन, इन लोगों में अवेयरनेस किस तरह से बढ़े, जागृति किस तरह से आए कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, सरकार की जो मंशा है वो पूरी किस तरह से हो, जिसमें मास्क लगाना, दूरी रखना, वैक्सीन लगाना, ये सारी चीज़ें हों और हम और ज़्यादा उपयोगी बने।